नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। वैसे पूजा सिंघल का मामला आज सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में डीएमओ को कहा था, जिला पदाधिकारियों को कहा था यहां पे आने के लिए और अपना बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत पदाधिकारी ऐसे हैं जो बहुत बहाना मारकर भाग रहे हैं। कोई बेटी की शादी बोल के भाग रहा है, तो कोई इस्तीफा देकर भाग रहा है, या फिर कोई अपने बीमारी का बहाना बना रहा है। आज साहिबगंज का डीएमओ तो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है। हम आप जैसा देख सकते हैं ईडी ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर सुबह से खड़े हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चहल पहल हमें देखने को मिला नहीं है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल की रिमांड वैसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही डीएमओ आ रहे हैं, अपने बयान दर्ज कराए, आज साहिबगंज के शायद आने वाले हैं। हम यहाँ आपको सारे अपडेट देते रहेंगे इससे जुड़े हुए, लेकिन आम जनता की क्या राय है, आम जनता पूजा सिंघल के मामले में क्या सोचती है। वैसे झारखंड तो खनिजों का राजा कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से आईएएस अफसर और बड़े बड़े पदाधिकारी द्वारा लूटा जा रहा है इस खनिज को और आदिवासियों और गरीबों को बेसहारा छोड़ा जा रहा है, इन सारे मामलों में जनता का क्या राय है, आइए जानते हैं। पूजा सिंघल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे आने वाला कोई भी आईएएस अफसर ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। ये देश के रक्षक नहीं, ये देश के भक्षक है, देश के लुटेरे हैं ये लोग। इस तरह के अगर कोई करता है और भी लोग, ये देश के लुटेरे हैं। इससे इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देश को आज़ादी कराने के लिए लोगों ने अपना जान तक दे दिया और उसी देश को ये लोग लूटने पर पड़े हुए हैं। देश को तरक्की उन्नति के राह पर कैसे ले जाएंगे ये लोग, ये तो खुद इतने भ्रष्ट है। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम दे करके इस जगह पर आते हैं, लोगों को इनसे बहुत उम्मीद होती है, जनता को, कि ये देश के लिए कार्य करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व में नाम होगा, भारत का गौरव सारे विश्व में होगा। और यही देश को एकदम शर्मसार कर रहे हैं अपनी हरकतों से, देश को शर्मिंदा कर रहे हैं, देश को डुबाने पर पड़े हुए हैं। उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसमें सबकी मिली भगत है, सब मिलजुल करके ये लूट रहे हैं। तो बड़े बड़े पोस्ट पर जब इतने भ्रष्ट लोग बैठेंगे तो देश कैसे विकास करेगा, कैसे तरक्की करेगा देश। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, भरोसा तो उठेगा ही ऐसे। पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर, यंग आईएएस ऑफिसर थे, नसी है, पैसा मिला है, अब कानून अपने हिसाब से काम करेगी, अपना नियम है उनका, कोर्ट का जो भी है अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अकेले मुझे नहीं लगता पूजा सिंघल इसमें है, जो भी नेता लोग भी या पॉलिटिशियन बिजनेसमैन जो भी इसमें शामिल है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि पूजा सिंघल को बलि का बकरा बना दिया गया है? ऐसे ही किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाता, उनको भी पास से भी पैसा मिला है, ये तो साफ दिख रहा है। पैसा मिला तभी उनको रिमांड में लिया जा रहा है और जेल भी हुआ है। ऐसे ही किसी को रोड चलता उठा के जेल पे तो नहीं डाल दिया जाता। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी है, चाहे रघुवर दास के टाइम के अधिकारी हो या फिर अभी के हो, रघुवर दास को भी जो क्लीन चिट उन्होंने दिया था पूजा सिंघल को, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर क्लीन चिट पूजा सिंघल को उस टाइम उनके कार्यकाल में मिला था, और जो भी दोषी हो उनको सजा मिलना चाहिए। देखिए, इनको सिस्टम में कुछ लूप होल है जो करप्ट बना दे रहा है, आखिर गवर्नमेंट को टाइट करना चाहिए ऐसे अधिकारी लोग। देखिए, ईमानदारी से होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए, जनता का वो बिजली पानी, सस्ता बिजली पानी, रोड कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, ऑटो वगैरह सारा मुहैया, ये सब आराम से हो जाए, ये सब होना चाहिए, नाली वगैरह बनना चाहिए, जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ चीज़ है वो काम होना चाहिए। आखिर ये टैक्स पेयर का पैसा है जो कि इस तरह से जा रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, और
तो आपने सुना कि जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का चीज बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं, बहुत सारे आईएएस पे आरोप लगे हैं, लेकिन ये एक पहला मामला आया जिसमें इतने बड़े अमाउंट में कैश बरामद हुआ। नेशनल न्यूज बन गया ये झारखंड का। अब चूंकि झारखंड खनिज का राजा जैसे हमने कहा जाता है, जनता भी सरकार पे सवाल उठा रही है और कह रही है कि सरकार खुद मिली भगत के साथ खुद खा रही है और जनता को गरीबी की आग में झोंक रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।